दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम टाटा मोटर स्टॉक के ऊपर डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करने चाह रहे हैं कि टाटा मोटर स्टॉक के अंदर इतना ज्यादा सेलिंग क्यों आ रहा है और ये स्टॉक के अंदर किसी लेवल के आसपास प्रॉपर हमको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और हमको अभी टाटा मोटर स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने टाटा मोटर स्टॉक का वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है और वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से मैंने ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, पहले इसी लाइन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ये जो रेड कलर का लाइन है, ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है और ये ऊपर वाला लाइन 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। तो देखिए दोस्तों, वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखेंगे ये अराउंड सितंबर महीना के आसपास, सितंबर महीना सेकंड वीक से देखो ये सेलिंग हमको देखने के लिए मिला है और इस पे धीरे-धीरे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है। एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके नीचे की तरफ मूव इस पे देखने के लिए मिल रहा है। तो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न मतलब जो भी कैंडल देखो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, कैंडल का ये जो टेल होता है उसी टेल का ये ऊपर लेवल का जो हिस्सा है उसको हम हाई बोलते हैं और ये जो लोअर साइड का हिस्सा है इसको लो बोलते हैं। तो इसी की तरह अगर हमको बार बार कैंडल देखने के लिए मिलता है और ये जो कैंडल का हाई है इसका प्रीवियस कैंडल का हाई से नीचे है और लो जो है प्रीवियस कैंडल लो से नीचे है, तो इसी की तरह अगर बार बार कैंडल फॉर्म होता है तो उस पर लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म होता है और इसी सिनेरियो में मार्केट नीचे की तरफ मूव हमको देखने के लिए मिलता है। तो टाटा मोटर स्टॉक के अंदर जो प्रॉपर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा था 916 लेवल के आसपास, अभी देखिए ये जो 916 का लेवल था बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था और ये सपोर्ट लेवल को अभी देखो ब्रेक करके नीचे की तरफ आ चुका है और ये जो सपोर्ट लेवल था सपोर्ट लेवल के आसपास हमको 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल भी इस पे देखने के लिए मिल रहा था और ये सपोर्ट लेवल को अभी देखो ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। तो इसीलिए ज्यादातर जो सिनेरियो बन रहा है ये स्टॉक और नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इस पे कितना स्ट्रेंथ हमको अभी देखने के लिए मिल रहा है, ये जो सेलिंग आया है इस सेलिंग के अंदर कितना स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से नीचे चल रहा है तो थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट इस पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए इस पे स्ट्रेंथ जानने के लिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का कैंडलस्टिक पैटर्न को वॉल्यूम को ऐड करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो वॉल्यूम चार्ट यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे आपको नोटिस करना जरूरी है क्योंकि देखो मार्केट तो नीचे की तरफ आया है, मतलब ये टाटा मोटर स्टॉक कंटिन्यू ऊपर लेवल से नीचे की तरफ आ तो रहा है, ये लेवल से देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, आप वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम देखो कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। तो वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन मैंने आपको बार बार बताया है, अभी भी और एक बार शेयर कर दे रहा हूँ, अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है और उसके साथ वॉल्यूम भी नीचे की तरफ जाता है, मतलब ये जो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है जनरली मार्केट फिर सपोर्ट लेके वापस पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है टाटा मोटर स्टॉक के अंदर प्रॉपर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये टाटा मोटर स्टॉक के अंदर सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, किसी लेवल के आसपास इस पे सपोर्ट मिलेगा, तो उसके बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक बार फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको ऐड कर लेता हूँ। तो देखो वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके देखोगे जनरली देखो मार्केट अभी 38% के आसपास रिट्रेस होके उसी लेवल के आसपास ये काम कर रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो ज्यादातर सिनेरियो है, इसी लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव हमको देखने के लिए मिलेगा और इसी लेवल से अगर नीचे की तरफ आता है जनरली जो सपोर्ट आ रहा है ये 800 लेवल के आसपास और 800 लेवल जो है ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आ रहा है जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट के हिसाब से बिहेव करने वाला है और इसी लेवल पे भी मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया था तो इसी लेवल के आसपास डबल बॉटम फॉर्म करेगा। लेकिन ज़्यादातर अभी जो सिनेरियो बन रहा है ये अराउंड 883 लेवल के आसपास, ये 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास हमको प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास हम अगर कोई भी प्लानिंग करेंगे कुछ पोजीशन बनाने के लिए, हमको बाइंग साइड के लिए पोजीशन के लिए वेट करना है और ये बाइंग का मूवमेंट आने के बाद ही प्रॉपर हम इस पे एंट्री करेंगे। तो अभी देखो कंटिन्यू इस पे डाउन साइड डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिल रहा है और ये स्टॉक जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये लेवल के आसपास देखो ये डेली के हिसाब से जो पिवट पॉइंट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा ये सपोर्ट 1 का लेवल था
और इसी लेवल ये सपोर्ट 2 का लेवल है, तो मार्केट अभी सपोर्ट 2 लेवल के पास आने के बाद थोड़ा होल्ड कर रहा है। अगर इसी लेवल से धीरे धीरे पॉजिटिव डिरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिलेगा, मिनिमम देखो ये 10 पीरियड 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आने के बाद बार बार इस पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। ये लेवल से अगर ऊपर की तरफ आता है और इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देता है, जनरली हम टाटा मोटर स्टॉक के अंदर जो बाइंग का पोजीशन बनाएंगे 900 लेवल के लिए हमको वेट करना है। अगर 900 लेवल के आसपास टाटा मोटर स्टॉक आ जाता है और मिनिमम 1 से 2 हफ्ता 900 लेवल के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर ये स्टॉक के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा रिसेंट इसी लेवल के आसपास 840 के आसपास इस पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और इस पे देखो बेसिकली पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से हमको लेके जाना है, तो मिनिमम 3 to 4 मंथ के अंदर फिर हमको मूवमेंट जो है इसी लेवल के आसपास 1000 के आसपास, उसके ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 1100 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको पेड स्टडी सीख के काम करना है, ओटीएम सेलिंग के अंदर मैंने जो खुद काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट हमेशा यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो ये एक बार रिजल्ट प्रॉपरली चेक कर लीजिए। अगर आपको ये सीख के काम करना है, सेफ स्ट्रेटेजी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो।